कोंडेगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में गणित यह विषय पढ़ाती हूँ। आज हम गणित भाग एक मैथ पार्ट वन का चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। तो हमारा सब्जेक्ट है मैथ वन, जिसके अंतर्गत हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। तो पहले बच्चों, हम छोटी कक्षा से अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ते आए हैं। अनुपात क्या होता है, कैसे हम उसको लिखते हैं, किस तरह से हम उसको संक्षिप्त रूप में करते हैं, ये सब हम लिखते आए हैं। तो अभी हम उसके बारे में स्टार्टिंग से फिर से देखेंगे, फिर से हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न हम कैसे हल करते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो एक एक करके हम अनुपात और समानुपात दोनों के बारे में जानते हैं, दोनों में क्या अंतर है, किस तरह से अनुपात निकाला जाता है, अगर समानुपात दिया है तो उसका अर्थ क्या है, ये सब हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अनुपात। अनुपात क्या होता है, जैसे हमें प्रश्न में दिया गया है कि ए अनुपात बी, तो अनुपात मतलब होता है ए और बी दोनों को हम जब बटे में लिखते हैं। जैसे अगर दिया है ए अनुपात बी, तो इसे अगर हमें अनुपात में लिखना है, मतलब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, किसी एक चीज को हम भागों में जो बांटते हैं वो उसका अनुपात होता है। समझिए, हमने 100 रुपए को 3:7 के भाग में बांटा, तो मतलब 100 रुपए को हमने 30 और 70 इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया, दो भागों में बांटा है। तो उसी तरह से अगर इस तरह से लिखा है तो ये है ए अनुपात बी, इसे अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए बटे बी। इसमें आपको संख्या भी दी होगी कभी कभी, जैसे समझो दिया है हमको 2:3, तो इसे अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2/3। यहाँ पे जो ऊपर की संख्या होती है उसे दर्शाने के लिए हम पहली संख्या इस शब्द का उपयोग करते हैं। आगे जो हम प्रश्न हल करेंगे उसमें आपको इस तरह से दिया होगा, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालो, तो उससे हमको समझ में आएगा कि हमें ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है। तो जो आगे दिया रहता है, जैसे यहाँ पे क्या आगे दिया है, 2, तो 2 जो है वो होगी हमारी पहली संख्या, और जो बाद में दिया रहता है, बाद में क्या दिया है, 3, तो 3 क्या होगी, दूसरी संख्या। तो 2:3 अगर हमें निकालना है तो ये 2 आपका जो है ये होगा पहली संख्या, और ये जो 3 है ये 3 क्या होगी, दूसरी संख्या। कभी कभी हमें कुछ प्रश्न दिए रहेंगे और आपसे कहा गया रहेगा कि इस अनुपात को आपको अति संक्षिप्त रूप में लिखना है, मतलब आपको उसे छोटा करके लिखना है, अति संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमें कोई प्रश्न दिया है, समझिए 30:35, इसको हमें कहा गया कि इसे आप अति संक्षिप्त रूप में अर्थात छोटा करके लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 30 ऊपर 35 नीचे, क्योंकि जब भी अनुपात है तो उसे हम बटे में लिखते हैं, 30 ऊपर आएगा 35 नीचे। अब इसे हम काटेंगे, काटेंगे अर्थात भाग देंगे, भाग देते समय हमें ये ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे हम सेम संख्या, समान संख्या से ही भाग दे सकते हैं। जैसे 30 और 35 की बात करें तो ये दोनों शुरू करते हैं 2 से, 2 के पहाड़े में 30 तो आता है लेकिन 35 नहीं आता, फिर 3 के पहाड़े में 30 आता है लेकिन 35 नहीं आता, फिर 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में 30 और 35 दोनों आते हैं, कब आते हैं, 5 6 30 5 7 35, क्या आया हमें, 6/7। अब हमें देखना है, अति संक्षिप्त मतलब आपको एकदम छोटा करना है, ऐसी संख्या आपको लानी है कि जो किसी भी संख्या से न कट सके, ऊपर नीचे की दोनों संख्या किसी भी समान संख्या से न कट सके। अब यहाँ पे हमें मिल रहा है 6/7, 6/7 में अगर हम भाग दें तो 6 में 3 से भाग जाता है, 2 से भी जाता है, लेकिन 7 में न तो 3 से भाग जाता है न तो 2 से भाग जाता है, तो ये संख्या को हम और छोटा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम 6 को तो छोटा कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं,
तीन से भाग दे सकते हैं, लेकिन सात को सिवाय सात के हम और किसी से भाग नहीं दे सकते। तो इसलिए इसका जो अति संक्षिप्त रूप है वो हमको क्या मिलेगा, 6/7, या इसे अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 6/7, ये इसका अति संक्षिप्त रूप है। अब कभी कभी आपको प्रतिशत कहा जाएगा कि आप प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत बताने के लिए हमें मालूम है प्रतिशत मतलब बटे में क्या होना चाहिए, शत अर्थात 100, तो प्रतिशत में बटे में हमेशा 100 होना चाहिए। जैसे अगर समझिए आपको प्रश्न दिया है 25/100, अगर नीचे 100 आ गया तो इसका अर्थ है कि ये कितना होगा, ये होगा 25%। अगर हमें समझिए 7/100 दिया है, इसका अर्थ है ये कितना होगा, 7%। तो इस तरह से अगर आपको बटे में 100 दिया गया है तो हम उसका कितना प्रतिशत है ये हम निकाल सकते हैं। कभी कभी प्रश्न कैसा रहता है कि हमको कहा रहता है कि आप इस कहा जाता है कि आप इसको प्रतिशत में बदलिए, तो अगर हमें प्रतिशत में बदलना है उस समय कैसे प्रश्न रहेंगे, समझिए हमको दिया है 8/25 और इसे कहा गया है हमें प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा, 25 को हमें 100 करना होगा। अब 25 को 100 करने के लिए हमें देखना होगा 25 के पहाड़े में 100 आता है या नहीं, तो 25 के पहाड़े में 100 आता है या नहीं, अगर हम देखेंगे 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दुनिया 75, 25 चौक 100, तो अगर हम 25 को गुणा 4 से कर दें तो हमें 100 मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे 25 का गुणा करेंगे 4 में। अब देखो बच्चों, अगर हम नीचे गुणा करते हैं तो हमें ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है, तो 25 का गुणा अगर हमने 4 में किया तो हमें 8 का भी गुणा किस में करना होगा, 4 में करना होगा। अब 25 चौक 100, 8 चौक 32, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा ये, 32%। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको आगे प्रश्न संग्रह में दिए हैं, एक एक करके हम इन प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद आते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है, यदि दो अनुपात समान होते हैं, यदि दो अनुपात का मान समान होता है तो हम कह सकते हैं कि वो समानुपात में है। जैसे A अनुपात B, ये समानुपात में है C अनुपात D। समानुपात के लिए हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, A अनुपात B समानुपात में है C अनुपात D, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A/B ये बराबर है C/D के। तो इस तरह का प्रश्न जो रहता है इसे हम क्या कहते हैं, समानुपात। अब इसमें आपको है दो और चीजें हैं, जैसे है प्रत्यक्ष समानुपात और प्रतिलोमानुपात। इसके बारे में भी हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक एक करके हम उसको देखेंगे शॉर्ट में कि क्या होता है। जैसे है प्रत्यक्ष समानुपात, प्रत्यक्ष समानुपात क्या होता है, यदि हम एक का मान बढ़ाते हैं और दूसरी संख्या का मान भी बढ़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष समानुपात। जैसे अगर समझिए कि एक बच्चा एक दिन में किसी पाठ्य पुस्तक की 4 पेज पढ़ता है, एक दिन में किसी पाठ्य पुस्तक का 4 पेज पढ़ता है, तो वो बच्चा 2 दिन में कितना पेज पढ़ेगा, 8 पेज पढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम दिन की संख्या बढ़ाते हैं वैसे वैसे पाठ्य पुस्तक की भी जो पृष्ठ है उसकी भी संख्या बढ़ेगी। अगर एक दिन में 4 पेज तो 2 दिन में 8 पेज। यहाँ पे आप देखोगे 1 से 4 और 2 से 8, मतलब दोनों जगह पे क्या हुआ, संख्या में वृद्धि हुई। तो ऐसे अनुपात को प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं।
मतलब दोनों संख्या बढ़ता है उसे हम प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं। अब एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं कि मानिए मानिए कोई गाड़ी है, कोई मोटर कार है, वो 1 लीटर पेट्रोल पे 10 किलोमीटर चलती है। कोई मोटर कार है वो 1 लीटर पेट्रोल से 10 किलोमीटर चलती है। अगर उसमें हम 10 लीटर पेट्रोल डालते हैं, अगर उसमें हम 10 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो वो कितना किलोमीटर चलेगी? 100 किलोमीटर चलेगी। अगर उसमें हम 20 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो वो कितना चलेगी? 200 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे हम पेट्रोल का मान बढ़ा रहे हैं, इस प्रश्न में आप देखोगे जैसे जैसे हम पेट्रोल का मान बढ़ा रहे हैं 1 से 10, 10 से 20 किए, वैसे वैसे यहाँ पे आप देखोगे उसका जो वो दूरी है वो भी बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर तो यहाँ पे 100 किलोमीटर, यहाँ पे 200 किलोमीटर। तो ऐसे प्रश्न को ये जो है कि आपका प्रत्यक्ष समानुपात में है, क्योंकि अगर हम पेट्रोल बढ़ा रहे हैं तो हमारी दूरी भी बढ़ रही है। तो मानो कि हम पेट्रोल को x लेते हैं और दूरी को y लेते हैं और इसकी सारणी बनाते हैं। तो इसकी सारणी कैसे बनेगी? अगर हम पेट्रोल को लीटर में पेट्रोल x लेते हैं, दूरी जो है दूरी को हम y लेते हैं और x अनुपाते y हम निकालते हैं। पहले कंडीशन में आप देखोगे पेट्रोल था 1 लीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। पेट्रोल जब 1 लीटर था तो कितना चला? 10 चला। तो अगर हम x बटे y निकालते हैं तो क्या आएगा? 1/10। उसी तरह से अगर पेट्रोल था 10 लीटर तो उस समय कितना चला? 100 किलोमीटर। तो अगर इसका हम x बटे y निकालते हैं तो 10/100, इसको अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा? 1/10। उसी तरह से अगर हम 20 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो वो गाड़ी कितनी चलेगी? 200 किलोमीटर। इसका अगर हम अनुपात निकालते हैं तो 20/200, ये 0-0 कट गया, तो 1 + 2, 2 × 20, तो कितना आ जाएगा? 1/10। तो यहाँ पे बच्चों आप देखोगे प्रत्येक में अगर हमने x बटे y निकाला तो हमें कितना मिल रहा है? 1/10। यहाँ पे भी 1/10, यहाँ भी 1/10, यहाँ भी 1/10। इससे हमको क्या समझ में आता है कि प्रत्यक्ष अनुपात में जो मान रहते हैं, प्रत्यक्ष अनुपात में जो आपको संख्याएं दी रहती हैं उसमें अगर हम x बटे y निकालते हैं तो उसका मान अचर आता है, कांस्टेंट आता है, अर्थात सेम आता है। जैसे अभी ये सारे प्रश्नों में आपने देखा हमने x बटे y निकाला तो हमको कितना मिला? सब में मिला 1/10। ये 1/10 हमें तीनों में मिला, इसका मतलब है x बटे y का मान जो है वो कांस्टेंट रहता है, अचर रहता है, मतलब सभी मानों के लिए समान रहता है। ये बात हो गया प्रत्यक्ष समानुपात का। प्रत्यक्ष समानुपात में क्या होता है? यदि हम एक का मान बढ़ाते हैं तो दूसरे का मान भी बढ़ता है। तो ऐसे ऐसी संख्याएं जो अनुपात में दी रहती हैं उसे हम प्रत्यक्ष समानुपात में कहते हैं। दूसरा है प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, विपरीत। तो प्रतिलोमानुपात क्या होगा कि अगर आप एक का मान बढ़ाते हो तो दूसरे का मान क्या होगा? कम होगा। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। तो एक का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान कम होगा। इसका भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए हम कोई गाड़ी है, कोई मोटर कार है,
वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती है, और उस मोटर कार को कितनी दूरी तय करनी है, 100 किलोमीटर जाना है। तो उसे कितना समय लगेगा, 2 घंटा लगेगा, क्योंकि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी, 100 किलोमीटर। अब वही अगर हम बात करें एक बैलगाड़ी की, तो हमें मालूम है बैलगाड़ी का वेग जो होता है वो कार से कम होता है। तो अगर कार 50 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से जाती है, तो बैलगाड़ी समझिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जाएगी। अब कार को जाने में कितना लगा, 2 घंटा लगा, तो बैलगाड़ी को कितना लगेगा, 20 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, अगर कार का वेग बढ़ता है, कार जो है उसका वेग अधिक है, वो 50 किलोमीटर जाती है, तो उसको समय कम लगता है, और बैलगाड़ी का वेग कम है तो उसको समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक का मान बढ़ाते हैं तो दूसरे का मान घट रहा है, तो इस तरह के अनुपात को प्रतिलोमानुपात कहते हैं। जैसे कार 50 के वेग से चलती है, इसका मतलब है कार का जो वेग है वो कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसे समय कितना लगता है, दोनों को कितना चलना है, 100 किलोमीटर चलना है, दोनों को 100 किलोमीटर चलना है। तो कार का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे समय कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। बैलगाड़ी जो है, बैलगाड़ी का वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे कितना लगेगा, 20 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर वेग ज्यादा है, वेग अगर ज्यादा है तो समय कम लगता है, और अगर वेग कम है तो समय ज्यादा लगता है। तो ऐसे प्रश्न जहाँ पे एक का मान अगर कम है, दूसरे का मान ज्यादा होता है, और अगर दूसरे का मान कम करते हैं तो पहले का मान ज्यादा होता है, तो ऐसे अनुपात को विलोमानुपात या प्रतिलोमानुपात कहा जाता है। अब जैसे पहले प्रश्न, पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वहां पे हम एक्स बटे वाई का जो मान है वो अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे एक्स पूरे वाई का मान अचर होगा। कैसे, हम देखते हैं, सारणी बनाते हैं इसके लिए। समझिए, वेग प्रति घंटा को हम एक्स लेते हैं, समय जो है समय को हम वाई मानते हैं, और एक्स पूरे वाई निकालते हैं। यहाँ पे ये हो गया कार और बैलगाड़ी। कार का वेग आप देखोगे कितना था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और बैलगाड़ी का वेग कितना था, 5। तो कार को समय कितना लगा, 2 घंटा, बैलगाड़ी को कितना लगा, 20 घंटा। अगर हम 50 गुणे 2 करते हैं तो कितना मिलता है, 100। उसी तरह से अगर हम 5 गुणे 20 करते हैं तो कितना मिलता है, 100। तो इसमें आप देखोगे, इस प्रश्न में अगर हम x और y का गुणा करते हैं, अगर इन दोनों मानों का गुणा करते हैं तो उत्तर हमें समान मिलता है, अचर मिलता है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x गुणे y का मान जो है वो अचर रहेगा, सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, के इस लेटर का, इस अक्षर का उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये तो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि इसमें बेसिक चीजें क्या हैं, कि इन चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए जिससे हम ये प्रश्न संग्रह हल कर सकें। अब आगे हम देखेंगे कि ये प्रश्न संग्रह में किस तरह के क्वेश्चन हैं, किसको हम इसे सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक पे हम आते हैं प्रश्न संग्रह 4.1। 4.1 में पहला प्रश्न हमें दिया है कि हमें पहली संख्या
और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो ये अभी हमने देखा था, अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे बटे में लिखना होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या कैसे पहचानेंगे ये भी हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं कि उसे हम कैसे लिखेंगे। जैसे शुरू करते हैं, हमारा प्रश्न संग्रह है 4.1, 4.1। इसमें प्रश्न पहले का पहला प्रश्न है, प्रश्न पहले का पहला प्रश्न है जिसमें पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात हमको निकालना है। इस प्रश्न में आप देखोगे पहली संख्या हमको दी है 72 और दूसरी संख्या हमको दी है 60। तो 72.60 इसका हमें अनुपात निकालना है। तो मैथ्स में बच्चों जब हम प्रश्न हल करते हैं तो हमारे लिए हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट रहता है, हर एक स्टेप महत्वपूर्ण रहता है और हमको सारे स्टेप को फॉलो करके आगे उत्तर निकालना रहता है। तो इसमें क्या रहेगा, पहला स्टेप हमारा, हमको समझो 72/60 दिया है तो हमें इसको क्या करना होगा, 72.60 दिया है तो इसको हमें बटे में लिखना होगा। तो बटे में हम कैसे लिखेंगे, 72/60। 72 को हमने ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि 72 पहली संख्या है और 60 जो है वो दूसरी संख्या है और प्रश्न में हमें साफ साफ कहा गया है कि हमें पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है। कभी कभी बच्चों देखो क्या होता है कि आपके सामने ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें आपको कहा जाएगा कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात निकालो। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, जो दूसरी संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे और पहली संख्या को नीचे लिखेंगे। अगर पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालो तो पहली संख्या ऊपर आएगी, दूसरी नीचे आएगी। और अगर उल्टा दिया गया है तो लिखते समय भी हम उल्टा लिखेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था 72 जो है ये क्या होगा, हमारी पहली संख्या, और ये 60 जो है ये क्या होगी, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, इसका अर्थ हम कैसे लिखेंगे, 72/60। अब क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे, ऐसी संख्या से जिसका भाग 72 में भी जाता हो और 60 में भी जाता हो। तो कई बार तो ऐसा होता है कि प्रश्न देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो प्रश्न है इसमें कोई बड़ी संख्या से दोनों से भाग जाता है और हम उसको काट के इजिली छोटा कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों ऐसा होता है ना कि हमको समझ में नहीं आता कि किससे भाग दें, तो हम क्या करेंगे, छोटे से शुरू करेंगे। अब एक, एक से हम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक से भाग दोगे तो आपको वापस यही मिल जाएगा। दूसरा हम लेते हैं दो। अब दो से देखोगे यहाँ पे सम संख्या है दो, यहाँ पे है जीरो। तो दो से भाग जाने के लिए क्या शर्त होती है कि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे इकाई स्थान पे 0 है, यहाँ पे इकाई स्थान पे 2 है, इसका अर्थ है कि दोनों में 2 से भाग जाएगा। तो अगर हम 72 में 2 से भाग देते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 2 6 2 6 12। 60 में भाग देते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 30। तो क्या मिल गया आपको, 36/30। अब हमको देखना है 36 और 30 ये दोनों किसी संख्या से कटते हैं क्या, तो 36 और 30 फिर से 2 से भाग दे सकते हैं। तो अगर 36 में 2 से भाग दिया तो कितना आएगा, 2 1 2 2 8 16 और यहाँ पे क्या आएगा, 15। अब हमें क्या मिल गया, 18/15। अब हमें देखना है 18 और 15 दोनों में फिर से कोई सेम संख्या से भाग जाता है क्या। तो अगर हम 2 से शुरू करें तो 2 से तो 18 में भाग जाएगा, लेकिन 2 से 15 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ है कि हम इसमें 2 नहीं ले सकते। अब हमको क्या लेना होगा, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3। तो पहले हमें देखना होगा 3 से भाग जाता है या नहीं, 3 से 18 में भाग जाता है, 3 6 18। तो ये हो जाएगा 6 और 3 5 15, क्या आ गया हमको, 6/5। अब हम फिर देखेंगे कि 6/5 में किसी संख्या से, किसी सेम संख्या से भाग जाता है क्या। तो 6 की अगर हम बात करें तो उसमें 2 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है,
लेकिन पांच में दो और तीन से भाग नहीं जाता। फिर आगे आते हैं, चार से नहीं जाएगा, पांच से पांच में तो भाग जाएगा लेकिन छह में नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ है कि हमें ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी आगे जाके कि जिसका भाग छह और पांच में जाए, जिसे हम और छोटा कर सके। तो इसका अर्थ है कि ये जो आपका प्रश्न था 72 और 60, इसका अति संक्षिप्त अनुपात अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6:5। तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर हमें क्या मिलेगा, 6:5। अब देखो, ये प्रश्न में जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमको कभी कभी ना कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं मिलती जिससे हम ऊपर नीचे भाग दे सके, हमें याद नहीं आता। लेकिन अगर हम देखें 72 और 60, तो ये दोनों संख्या में 12 से भाग जाता है। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौ 48, 12 पच्चे 60। तो अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। जैसे 12 6 72, तो 6 आ गया, 12 25 60, तो 5 आ गया। लेकिन अगर ये चीज आपको नहीं आती है समझ में, तो आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेके भी कर सकते हो, क्योंकि हमें जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमारा उत्तर सही होना चाहिए। तो आप इसमें से कोई भी तकनीक, कोई भी मेथड का उपयोग कर सकते हो। अब बच्चों, इसमें हमारा अगला प्रश्न है 38/57। प्रश्न दूसरा है 38 और 57। अब इस प्रश्न में भी पहली संख्या जो हमारी होगी, पहली संख्या क्या होगी, 38, और दूसरी संख्या क्या होगी, 57। तो अगर इसे हमें भाग देना है, इसे इसका हमें अनुपात निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, 38 को ऊपर और 57 को नीचे लिखना होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 38/57। इसमें अगर भाग देना है तो हमें देखना होगा कि इसमें किससे भाग जाता है। शुरू करते हैं हम 2 से 38 में भाग जाएगा लेकिन 57 में नहीं जाएगा। 3 से शुरू करते हैं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं। तो ऐसे आपको एक 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 करके सारी संख्या देखनी है। तो आप अगर इसे देखो तो हम आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन इसका 38 का और 57 का ऐसी संख्या हमको नहीं मिलेगी जिससे दोनों में भाग जाए। कब मिलेगी ये संख्या हमें, अगर आप 19 लेते हो तब, क्योंकि 19 ऐसी संख्या है जो 38 और 57 दोनों को काटती है, दोनों का भाग जाता है। कब जाता है, 19 दूनी 38, 19 57। तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, 2/3। अगर हम इसको 19 से भाग देते हैं तो इसका उत्तर हमें मिलेगा 2/3। इसका अर्थ है, अगर इसे अनुपात में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3। तो अगर आपको ये दोनों प्रश्न लिखना है तो 2 मिनट का आप सेकेंड टाइम ले सकते हो, 2 मिनट का समय ले सकते हो इस प्रश्न को कॉपी करने के लिए, फिर हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। बस इसमें तीसरा प्रश्न जो है वो भी ऐसे ही है, जो जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगी, जैसे पहला और दूसरा है सेम वैसे ही तीसरा प्रश्न भी है, जो कि आप होमवर्क में करेंगे, आप कोशिश करेंगे हल करने की। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा हम उसमें वो डाउट सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है आपको, 52 और 78, इसका हमको अनुपात निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा।
अब आपका लिख के हो गया होगा, तो हम अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न दूसरा, इसी प्रश्न संग्रह का प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरे में क्या है, पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। अनुपात हमें लिखना है और अति संक्षिप्त रूप में लिखना है। अब बच्चे जब हम अनुपात निकालते हैं तो इकाई जो है वो समान होनी चाहिए। जैसे अगर हमें कोई प्रश्न दिया है, समझिए हमको 5 रुपए और 100 पैसे का अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको या तो रुपए को पैसे में बदलना होगा या तो पैसे को रुपए में बदलना होगा। क्योंकि जब हम दो का अनुपात निकालते हैं तो दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी हम किसी भी दो संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। इसमें जैसे आपको पहला प्रश्न दिया है 700 रुपए और 308 रुपए, इसमें आप देखोगे दोनों की इकाई समान है। दोनों की इकाई क्या दी गई है, रुपए दी गई है, इसका अर्थ है दोनों की इकाई समान है। अगर इकाई समान है तो इस प्रश्न में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इसका सीधे अनुपात निकाल सकते हैं। तो अनुपात में अनुपात निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसे बटे में लिखना होगा। तो हम इसको बटे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 700 बटे 308। अब हमको इसे काटना होगा, इसमें भाग देना होगा। 700 और 308 दोनों को हमें काटना होगा, तो दोनों को भाग देने के लिए हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे, अर्थात किससे शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो अगर 2 से हम 700 को भाग देते हैं तो कितना आएगा, 2 3 6 ये हो जाएगा 10 2 5 10 और 0। यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं 2 1 2 2 5 10 2 6 8 तो कितना आएगा, 350 बटे 154। अगर हम इसका भाग देते हैं तो आएगा 350 बटे 154। अब ये दोनों और छोटे हम इसको कर सकते हैं कैसे, आगे भाग दे के। तो फिर से आप देखोगे 350 और 254 दोनों में किससे भाग जाएगा, फिर से 2 से भाग जाएगा। तो इसे हम फिर से 2 से काटते हैं, इसे काटेंगे 2 1 2 2 7 14 2 5 10। यहाँ पे अगर हम काटते हैं तो 2 7 14 फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 7 14। अब हमको क्या मिला, 175 बटे 77। अब इस प्रश्न में आप आगे जो आपको मिला है संख्या, इस संख्या में आप देखोगे कि इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से भाग नहीं जाता। अब हम देखते हैं 3 से जाता है क्या, तो 3 से भाग जाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कि अगर आप संख्याओं को जोड़ते हो, उसमें इकाई दहाई जितनी भी संख्या दी गई है उनको जोड़ते हो, उसमें अगर 3 से भाग जाता है इसका अर्थ है इस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। जैसे 175 है तो 1 + 7 + 5 तो कितना होगा, 7 में 1 जोड़ा तो 8 और 8 में 5 जोड़ा तो 13। तो 8 और 5 अगर जोड़ते हैं 13, तो इसमें 13 में 3 से भाग नहीं जाता, इसका अर्थ है इसमें भी 3 से भाग नहीं जाएगा। अब हम आते हैं 4 पे, 4 सम संख्या है तो भाग नहीं जाएगा, 5 से 175 में जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं 7 से जाता है कि नहीं। अब 7 से देखेंगे तो 7 × 2 = 14 = 35, 7 × 5 = 35 और यहाँ पे आएगा 11, तो इसका अर्थ है इसमें 7 से भाग जाएगा। तो कैसे देंगे हम भाग, ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 = 15 = 16 = 17 3, तो ये कितना हो जाएगा 35, तो 7 × 5 = 35। यहाँ पे 7 × 7 = 7 कितना आ गया, 25 बटे 11। अब हमें देखना है कि 25 बटे 11 में किसी संख्या से भाग जाता है क्या, तो 25 में तो जाएगा 5 से भाग लेकिन 11 में नहीं जाएगा, तो इसका अगर हम अनुपात निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 अनुपात
में 11 और इसे हम इससे छोटा इससे संक्षिप्त नहीं कर सकते। उसी तरह से दूसरा प्रश्न आप देखोगे, दूसरा प्रश्न है 14 रुपए और 12 रुपए 40 पैसे। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर हमें अनुपात निकालना है, अति संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इकाई समान करनी होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे 14 रुपए इकाई जो ये संख्या दी है ये रुपए में दी गई है, यहाँ पे भी ये संख्या रुपए में दी गई है, लेकिन रुपए के साथ साथ हमको क्या दिया है, पैसा भी दिया है। तो हमें क्या करना है, इन सभी को पैसे में बदलना है, इन सभी को पैसे में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है 1 रुपए में कितना पैसा होता है, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो यदि 1 रुपए में 100 पैसा, तो 14 रुपए में कितना पैसा होगा, 100 × 14 मतलब 1400 पैसे। उसी तरह से 12 रुपए में कितना पैसा होगा, 100 × 12 = 1200 पैसे। ठीक है, ये 14 रुपए जो है ये आपका हो गया 1400 पैसे, और ये जो 12 रुपए है ये कितना हो गया, 1200 पैसे। लेकिन इस प्रश्न में आप देखोगे 12 रुपए के साथ साथ क्या दिया हुआ है, 40 पैसा। तो इस रुपए में हमको क्या करना होगा, 40 पैसे को जोड़ना होगा। जो हमें 1200 पैसा मिला है इसमें हमें 40 पैसे को जोड़ना होगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रश्न में दिया है 12 रुपए 40 पैसे, तो 12 रुपए का अर्थ हो गया 1200 पैसे और 40 पैसे, तो 1200 और 40 को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, 1240। तो 12 रुपए और 40 पैसे तो कितना हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा 1200 + 40, तो ये हो जाएगा 1240। तो इस प्रश्न का अगर हमें अनुपात निकालना है तो इसका अनुपात निकालने के लिए हमें किसको भाग देना पड़ेगा, 1400 को 1240 से हमें भाग देना होगा। अब इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, ये आपका 14 रुपए जो है ये हो जाएगा 1400 पैसे और ये 1240 पैसे। अब इसको अगर हम काटते हैं ये जीरो कट गया, बचा कितना, 140 / 124। सेम वही प्रोसीजर, वही हम स्टेप का उपयोग करेंगे जो हमने पहले किया है। इसे हम भाग देंगे, शुरू करेंगे हम छोटी संख्या से, अर्थात शुरू करेंगे हम 2 से। तो 2 से अगर हम 140 में भाग देते हैं तो यहाँ पे आपको आएगा 70, यहाँ पे आएगा 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4। फिर हम 2 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा 2 = 35 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 मतलब 35/31। अब आप 35 और 31 ये जो संख्या मिली है 35 में तो भाग जाएगा लेकिन 31 में भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अनुपात अगर हम निकालते हैं तो इसका अनुपात हमको मिलेगा 35/31, 35/31 ये आपका उत्तर है। अब किसी तरह से इसमें अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा 5 लीटर और 2500 मिलीलीटर इसमें आपको दिया है। प्रश्न तीसरे में 5 लीटर और 2500 मिली लीटर दिया है। इसमें भी हमें क्या करना होगा, आप देखोगे एक आपको लीटर में दिया है और दूसरा आपको किस में दिया है, मिलीलीटर में। तो हमको या तो लीटर को मिलीलीटर में बदलना होगा या तो मिलीलीटर को लीटर में। तो अगर हम लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए हमको पता है 1 लीटर = 1000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर बराबर होगा
5000 मिलीलीटर। तो इसका अर्थ है अगर हमको इनका अनुपात निकालना है तो क्या लिखना होगा, इसका अनुपात निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको 5000 बटे 2500 इस तरह से लिखना होगा और इसका हमको अनुपात निकालना होगा। तो बच्चों ये जो इकाई है, इकाई मैंने बदल दिया है, इकाई मैंने इसे समान कर दिया है दोनों का। अब हमको किसका अनुपात निकालना है वो हमको मिल गया है, 5000 का अनुपात हमको निकालना है 2500 में। ये प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है, ये प्रश्न भी आप खुद से हल करोगे और अगर इसमें कोई डाउट है तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, अगले पीरियड में करेंगे। अब इसमें चौथा प्रश्न है 3 वर्ष 4 माह और 5 वर्ष 8 माह। तो 3 वर्ष 4 माह इसमें भी हमें क्या करना होगा, वर्ष को और माह को, ये दोनों में से हमको इकाई सेम करनी है। तो एक वर्ष में हमें पता है कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 3 वर्ष में कितने महीने होंगे, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 36 महीने। तो 3 वर्ष में 36 महीने प्लस कितना महीना और ऐड करना है, 4। तो 36 में 4 जोड़ा तो 40, मतलब 3 वर्ष 4 माह का अर्थ है 40 महीने। उसी तरह से 5 वर्ष 8 माह, 5 वर्ष मतलब 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60, 5 वर्ष का अर्थ है 60 महीने और 60 और 8 माह दिया है। तो 60 में 8 जोड़ा तो 68 माह, मतलब पहला जो है 3 वर्ष 4 माह इसका हमको क्या मिल जाएगा, 40 महीने और दूसरे का मिल जाएगा 68 महीने और उसका अनुपात निकालेंगे तो 40/68 आएगा। तो बच्चों आज हमारे पास इतना ही समय है तो हम यहीं तक प्रश्न हल करते हैं। बाकी मैंने 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए हैं। कौन सा 3 प्रश्न, प्रश्न पहले का जो तीसरा प्रश्न था वो आपके लिए होमवर्क है और इसमें प्रश्न दूसरे का तीसरा प्रश्न किस तरह से बदलते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको खाली इसका अनुपात निकालना है, भाग दे के आपको खाली इसका अनुपात निकालना है। तो ये आपको होमवर्क में करना है और इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो भी मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से जो वर्ष है उसको महीने में, माह में बदलेंगे, दोनों को माह में बदलेंगे और इसका उत्तर निकालेंगे। अब बच्चों अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप इस पे प्रश्न पूछ सकते हैं। टीचर दूसरे का दूसरा बताइए ना, दूसरे का दूसरा बेटा प्रश्न, दूसरे का दूसरा यहाँ पे देखिए मैंने हल किया है, यही वाला आप पूछ रहे हैं, रुपए और पैसे वाला जो प्रश्न है, रुपए और पैसे वाला जो प्रश्न है यही आप पूछ रहे हैं, प्रश्न दूसरे का हाँ, दूसरा टीचर। हाँ टीचर। हाँ तो इसमें देखो मैंने ना इसके पहले एक्चुअली क्या है, हमारे पास जगह कम है, पूरा बोर्ड जो है वो हमारे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था, तो इसके लिए मैंने वो लिख के मिटा दिया है। क्या किया था हमने, इसके पहले का जो स्टेप था उसमें हमने क्या किया था, रुपए को पैसे में बदला था। जैसे 14 रुपए हमको मालूम है 1 रुपए = 100 पैसे, हमको मालूम है ये जो रुपए पैसे ये इन चीजों का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं, किस तरह से उसे कन्वर्ट किया जाता है ये हमको मालूम है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 14 रुपए में कितने पैसे होंगे, मतलब 100 × 14 = 1400 पैसे, ठीक है। अब ये तो हमने इसका निकाल लिया, 14 रुपए में कितने पैसे हो गए, 1400 पैसे। अब किसी तरह से हम किसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे 12 रुपए 40 पैसे में कितना होगा, तो पहले 12 रुपए का देखते हैं। 12 रुपए बराबर होगा 100 × 12 = 1200 पैसे। अब हमने 12 रुपए का निकाल लिया, अब हमारा क्या बचा है, 40 पैसा। इस 40 पैसे को भी हमें इसी में जोड़ना है। तो अगर हम 12 रुपए 40 पैसे निकालेंगे तो क्या होगा, 1200 + 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1240
पैसे। अब देखो दोनों की इकाई सेम हो गई, हमने ये इतना स्टेप क्यों किया, क्योंकि हमें दोनों की इकाई सेम करनी थी, दोनों को हमें या तो रुपए में कन्वर्ट करना है या तो पैसे में, तो पैसे में कन्वर्ट करना ज्यादा सुटेबल था तो हमने इसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या मिला, 14 रुपए का 1400 पैसे और 12 रुपए 40 पैसे का मिला 1240 पैसे। अब हम इसका अनुपात निकालेंगे, इसका अनुपात निकालने के लिए हमने क्या किया, इसे बटे में लिख दिया। तो बटे में लिख दिया तो 14 रुपए का हमको मिला था 1400 पैसे और इसका हमको मिला था 1240 पैसे। अब इसके बाद इसको हमने काटा था, दो से काटा था, दो से काटे थे हम, तो हमें कितना मिला था, 7 × 2 = 14, यहाँ पे हमको मिला था 70, यहाँ पे मिला था 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, फिर इसको हमने 2 से काटा था, फिर तो हमने इसमें 2 से भाग दिया था तो यहाँ पे आ गया था 35, यहाँ पे आ गया था 31। अब मैंने आपको बताया था अगर हम इसे और अति संक्षिप्त रूप देना चाहें तो नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसी संख्या है जिसमें 35 से भाग जाता है, लेकिन ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 31 से भाग जाता है, और भाग देने के लिए हमको क्या करना होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम संख्या लेनी होगी, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 35 और 31 दोनों से भाग जाता हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 35 अनुपात 1, ये हमारा उत्तर है। और आपको कोई प्रश्न पूछना है, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? हेलो टीचर, हाँ? मेरे को दूसरे का तीसरा समझ में नहीं आया, थोड़ा आप समझा दोगे मेरे को? दूसरे का तीसरा, यही प्रश्न मैंने आपको जो होमवर्क में दिया है उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ टीचर। कितने लाख किस तरह से इकाई समान करेंगे ये मैंने आपको बताया, किस तरह से इकाई समान करेंगे ये मैंने अभी आपको समझाया था, लेकिन हम एक बार देखते हैं। प्रश्न हमारा था 5 लीटर 2500 मिलीलीटर, मैंने आपको कहा था दोनों की इकाई हमें समान करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। अब हमें मालूम है कि एक लीटर बराबर होता है 1000 मिली लीटर, तो 5 लीटर बराबर क्या होगा, 5000 मिलीलीटर, 5 लीटर बराबर होगा 5000 मिलीलीटर। अब ये हमें जो 5 था ये हमें मिल गया मिलीलीटर में, 2500 हमें पहले से मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5000 मिलीलीटर लिखेंगे, और 2500 मिलीलीटर आपको दिया है, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अगर इसका हम निकालेंगे तो हमें निकालना होगा 5000 मिलीलीटर और 2500 मिलीलीटर का अनुपात, तो हो जाएगा 5000/2500, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, बचा क्या, 50/25, 5 से काटते हैं अगर हम, 5 × 25 = 25, 5 × 10 = 50, फिर अगर इसे हम काटेंगे 5 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, तो 2:1, ये इसका उत्तर मिलेगा। समझा? और किसी को कुछ डाउट है, और किसी को कुछ पूछना है, और किसी को कुछ पूछना है? टीचर, हाँ, मेरा 1.3 और 2.3 और 4 हो चुका। ठीक है, अच्छी बात है।
अब बच्चों यहाँ पे समय हमारा हो गया है, तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। जितना पढ़ाया है इसमें अगर आपको अभी भी आप खुद से हल कीजिए, अगर आपको कोई शंका है, कोई डाउट है, तो हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा, अगला जो हमारा मैथ का लेक्चर रहेगा, उसमें हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे। मैंने इसमें आपको कुछ प्रश्न जो है वो होमवर्क में दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हमारा अगला लेक्चर रहेगा तो आप वो होमवर्क सॉल्व किए रहेंगे।